स्वागत करती हूँ मेरा चैनल ऋषिकुल्या ब्लॉग्स। आप सभी को मेरा जोहार और नया एक वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का ये ब्लॉग कुछ डिफरेंट टाइप का है, बिकॉज आज जो है हमारे कम्युनिटी जो किसान कम्युनिटी होता है उसमें एक रिचुअल किया जाता है, जो कि जो भी मतलब पेरेंट्स होता है उनके बच्चों जो होते हैं उनका एक ये करते हैं होल करते हैं इयररिंग्स पहनने के लिए। सो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर रिचुअल किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये हमारा हाफ मैरिज टाइप का है। सो मैरिज अगर करना है तो ये वाला रिचुअल जरूर ही कंप्लीट करना रहता है। तमर बुरु ही सरी ची कदी तो काले फूलो पिंदी ची तमर बुरु ही सरी ची देखे रात में पिंदी ची। हम लोग का ये एक अलग ही रस्म होता है जिसमें कि ये कान का ये ऐसे करते हैं ना तो पूरा बोझ देते हैं पूरा गांव को। सर आज ये हाँ इसका आज होने वाला है, इसका कान में इसलिए नहीं है। सो ये व्रत घर भी बोलते हैं और हम लोग का यहाँ पे ये बोरू भी बोलते हैं। सो जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, ये हमारे कम्युनिटी में एक तरह का रिचुअल किया जाता है जिसमें कि हर एक बच्चे का मतलब बचपन में ही या फिर जब भी आप लोगों का सुविधा हो तब ईयर पियर्सिंग का एक रिचुअल करते हैं। और ईयर पियर्सिंग जब करते हैं तो पूरा ही गांव वाले को इनविटेशन होता है भोज के लिए और ये मैंडेटरी रहता है हमारे यहाँ पे, और जरूर ही ये वाला करते ही हैं। और आप सामने जो देख रहे हैं इसका प्रिपरेशन वगैरह किया हुआ है, चार मटकी के ऊपर पानी रखा गया है और उसके साथ आम का पत्ता यहाँ पे है और सामने यहाँ पे हल्दी वाला चावल, और ये चावल से एक पिठो भी बना जाता है जो कि बाद में गाल में भी लगाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दोनों जो है मेरे कजन सिस्टर एंड ब्रदर हैं और उनको मेरी मामी और मम्मी जो है कान में एक पॉइंट दे रही हैं ताकि जब हम ईयर पियर्सिंग करें तो सही जगह में उसका जो है वो जिस चीज से भी हम इसको करेंगे पियर्सिंग तो वो सही जगह में ही होना चाहिए। सो ऐसे ही इसको पहले से थोड़ा सा ही दाग दे देते हैं ताकि बाद में इजी हो। सो आप आगे बने रहिए और हमारा ये रिचुअल में शामिल होइए। कैसा लगा कैसा नहीं लगा सब कुछ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, हमारा ये जो ईयर पियर्सिंग जो है बचपन में ही हो गया था और यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि कजन सिस्टर ब्रदर उनके मामा मामी के गोद में यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका जो ये ईयर पियर्सिंग करेंगे ये दोनों भैया ही लगेंगे हमारे। सो ये स्टार्ट हो गया एंड आप देख ही सकते हैं ये है सिल्वर का एक तार रहता है उसमें या फिर गोल्ड का तार रहता है उसमें या फिर जो है आप सुई सुता से भी कर सकते हैं। सो लीजिए, हो गया। मतलब दर्द तो थोड़ा सा होता ही है बट अच्छा भी लगता है।
अच्छा, ये खत्म होने के बाद सारे रिलेटिव्स के ओर से गिफ्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। ये चीज सबसे मजेदार रहता है क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं तो सारा गिफ्ट्स में ही हम लोग का ध्यान रहता है, तो इसमें बहुत टाइप्स का गिफ्ट्स आपको मिलेंगे और पूरी फैमिली को दिया जाता है, जैसे कि मामा मामी भी बैठेंगे पीछे, सो वो सब दिया जाएगा और पिठो भी गाल में लगाते हैं। सो ये सब रिचुअल्स होता है। आप लोगों के यहाँ पे ये होता है कि नहीं, जरूर ही कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए इनका कान में न्यू गोल्ड का रिंग है और बहुत ही क्यूट लग रही है अभी। सो ऐसे ही रस्म होता है, इसके बाद भोज वगैरह होगा तो गांव वालों को भोज दिया जाएगा, है ना।
फिर अभी अभी सब फूड खाएंगे तो थोड़ा दुखा नहीं, और इनका भी गोल से ही देखिए ऐसा होता है। सो हम लोग का कम्युनिटी में ऐसे ही होता है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। छोटे देखो मेरा बहुत खाली खाली अच्छी खाली खाली नीचे पूरा फूल अच्छी देख रहे, देख लो देख लो। छोटू टेस्टी अभी भी खड़े हुए हैं, अंधेरा नहीं हुआ है। सो